गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पास्ट सिंपल टेंस। आज की क्लास में हम पास्ट सिंपल टेंस पर चर्चा करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट सिंपल टेंस के नियमों के बारे में जानकारी हमने पिछले लेक्चर में या पिछले वीडियो में प्राप्त करी थी। हमने कुछ एक दो सेंटेंस के एग्जाम्पल्स भी किए थे। मैंने आज आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनको पढ़ करके समझ सकते हैं और इनको देखते हुए हम नियमों का भी एक बार पुनः इधर रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल जो टेंस होता है उसका यूज जो है भूतकाल में हुई घटनाओं या कार्यों को बताने के लिए किया जाता है, या भूतकाल में हुई घटनाओं या कार्यों को प्रकट करने के लिए होता है। पास्ट सिंपल टेंस जो कार्य पहले हो चुका है उसकी बात करते हैं तो वहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट टेंस का यूज करते हैं। अब देखो, हमने टेंस का डिवाइडेशन जब पढ़ा था तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि टेंस जो है वो कितने प्रकार का होता है। टेंस तो हमने तीन प्रकार का पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर हमने ये पढ़ा था कि प्रत्येक टेंस, every tense has four parts। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था सिंपल या इंडेफिनाइट, दूसरा हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूस टेंस, और तीसरा हमने पढ़ा था परफेक्ट, और चौथा पढ़ा था परफेक्ट कंटीन्यूअस। चार भाग होते हैं। यदि वो प्रेजेंट क्या है तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर। अब देखो, जब भी सिंपल का आता है तो उसमें ता है, थी या होता होगा, मतलब ये किस में आना चाहिए, लगभग ये आना चाहिए, इसमें ता है तो प्रेजेंट आ जाएगा ता, और पास्ट तो ता थी, ती थी, इस तरह से आ जाएगा। ये सिंपल सी बातें। कंटिन्यूस जहां पर भी रहेगा उसमें रहा है आएगा, अगर प्रेजेंट का है तो रहा के आगे है, पास्ट का है तो था, और फ्यूचर का है तो गा गेगी, ये आ जाएगा। परफेक्ट जो उसमें काम कंप्लीशन का भाव आता है, जैसे चुका, अब वो प्रेजेंट का है तो है, पास्ट का है तो था, और फ्यूचर का है तो गा गेगी। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूस जो होता है उसमें रहा आएगा प्लस समय, और प्लस प्रेजेंट का है तो है, पास्ट का है तो था, और फ्यूचर का है तो गा गेगी, आ जाएगा। ये सामान्य परिस्थितियां है जहां पर हम इस दृष्टिकोण से इसको याद कर सकते हैं। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये बात मैं पुनः इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि पिछले वीडियो में या उससे प्रीवियस वीडियो में जिन्होंने, कई बच्चों ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं कि टेंस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एवरी टेंस हैज फोर पार्ट्स, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब वो प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट के हैं तो पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनेट, या दो नंबर पर पास्ट कंटीन्यूअस, इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के हैं तो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट के आप वीडियो एक बार पुनः देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब हमने पिछले वीडियो में ये जो पास्ट सिंपल जो टेंस है इसके कुछ नियमों की चर्चा करी थी, वो नियम थोड़े से मैं एक बार आपको पुनः रिकॉल कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पास्ट सिंपल टेंस है आपका, पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट सिंपल टेंस में हम क्या करते हैं, देखिए इसमें पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेंगे पहले। पॉजिटिव सेंटेंस, तो पॉजिटिव सेंटेंस में
हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। केवल और केवल कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ये केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। जैसे ही वाक्य नेगेटिव बनेगा, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर होगा? ये वाक्य नेगेटिव बनेंगे तब हो जाएंगे। जैसे ही वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके से बनेंगे। कितने तरीके से बनेंगे? एक तो हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। तो सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब वाले बनाना सीखेंगे। क्लियर हो गई? तो नियमों की बात क्लियर हो गई कि पास्ट सिंपल टेंस की सबसे पहले पहचान तो देख लेना। ता था, ती थी, ते थे, या ई ए, यानी आया गया ऐसे, या ई गए, इस तरह के शब्द आ जाएं। तो ता था, ती थी, ते थे, या ई या ए, इस तरह के शब्द आए तो उस तरह के हिंदी सेंटेंस को पास्ट सिंपल की श्रेणी में रखा जाएगा। सामान्यतः सकारात्मक वाक्यों में या पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। जैसे वाक्य नेगेटिव में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करेंगे, और पॉजिटिव में जो सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस बनेंगे कौन से, तो हेल्पिंग वर्ब डिड से वाक्य को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। ये कुछ बातें हमारे पहले हो चुकी थी, ये बातें एक बार मैं पुनः रिवाइज करता हूँ। अब उसके बाद हम इसके पॉजिटिव जो सेंटेंस हैं उसकी तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, सकारात्मक वाक्य की। तो बेसिक पैटर्न क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अदर, अदर में कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, जो कुछ भी होता है वो इस श्रेणी में आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस है, राम जयपुर गया। पहले उस हिंदी के वाक्य का विश्लेषण करेंगे। राम जयपुर गया, इस हिंदी वाक्य में हमें भाव ये आ रहा है कि ये वाक्य कब का है? क्या राम जयपुर अभी जा रहा है? तो ये बात, राम जयपुर गया पहले जा चुका है, यानी जयपुर का जाने का काम, पास्ट की बात करें तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता को पहचानिएगा। तो राम जयपुर जाने का काम कौन कर रहा? राम कर रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? राम हो गया। तो अंग्रेजी में सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट लिख दिया, राम। फिर वाक्य सकारात्मक है, नकारात्मक है, प्रश्नवाचक है, किस तरह का है? यहाँ केवल फुल स्टॉप लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो कैसा है वाक्य? सकारात्मक है। तो हमने यहाँ लिखा राम की जगह सब्जेक्ट आ गया राम, फिर मेन वर्ब की सेकंड, अब गया तो इसकी गो की जगह वर्ब की फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन और गोइंग, और एक होती है गोज। अब गो जो होती है इसको तो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, या हम कहते हैं बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहते हैं इसको? हम कहते हैं पास्ट फॉर्म। कौन सी कहते हैं? पास्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। गोन जो होते इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या यू कहते हैं थर्ड फॉर्म। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या ING फॉर्म कहते हैं। ये प्रेजेंट और ये पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से वर्ब के फॉर्म्स का डिवाइडेशन होता है, जो कि हम वर्ब पढ़ी थी हमने आर्ट्स ऑफ स्पीच में, तब वहाँ पर ये बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। अब हम बात करते हैं कुछ सेंटेंस। तो राम वेंट टू जयपुर। अब देखो सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब गो, यहाँ गो बन रहा है, तो गो की सेकेंड फॉर्म क्या आ गई? वेंट। सामान्य परिस्थिति में गति जब होती है तो टू प्रीपोजिशन टू जयपुर फुल स्टॉप। रोहित ने पत्र लिखा, क्या रोहित पत्र लिख रहा है? ये पत्र लिखने का काम तो पहले ही हो चुका है। जैसे काम पहले हो चुका है, तो पहले इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? रोहित है। सब्जेक्ट क्या है? रोहित। और क्या लिख रहा है? पत्र। तो रोहित, अब राइट, राइट WRIT राइट यानी लिखना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। बताइए तो सेकंड फॉर्म लिखने में तो क्या आ गया? रोहित रोट ए लेटर, रोहित ने एक पत्र लिखा। अगला, राम ने रावण को मारा,
राम ने रावण को मारा। तो राम किल्ड रावण, तो सब्जेक्ट क्या है, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण, तो राम ने किसको मारा, रावण को मारा। तो पहले तो सब्जेक्ट आ गया राम, मारने को वर्ब में होती है किल, किल की सेकंड फॉर्म होती है ये किल्ड, और थर्ड फॉर्म होती है किल, और आईएनजी वाली की अगर बात करें तो मेन फॉर्म में आईएनजी लगता था किलिंग। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म और ये आईएनजी फॉर्म, तो क्या आ जाएगा इसमें किल। तो राम किल किसको मारा, रावण को, तो रावण किसी का नाम है तो रावण ऑब्जेक्ट आ गया, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। मैं क्रिकेट खेलता था, पहचान के अनुसार तारा और थार, पहले या ये इस तरह से आ रहा था, या ये वह सेव खाता है, इसमें भी ता और थारा, तो कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल है, तो सबसे पहले वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही, और खाने को बोलते हैं ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो क्या आ जाएगा, ही एट क्या खाता है, एप्पल, ही एट एप्पल, वह सेव खाता था, ही एट एप्पल, वह सेव खाता था। अगर मैं इसको यूं कर दूं, ही ईट ईट्स एप्पल, अब दे वर्ब की फॉर्म में मैंने परिवर्तन कर दिया, सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा दिया, तो ये पास्ट सिंपल की जगह किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट सिंपल में चला जाएगा। इसलिए वर्ब की फॉर्म चेंज करते हैं क्या हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है। तो कुल मिलाकर टेंस का प्रभाव डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्ब पे कर रहा है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्लेड क्रिकेट, अब देखो प्ले जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या है, ये प्ले की, प्लेड, इधर आ जाएगा प्ले, और थर्ड भी ऐसे आ जाएगी, और इधर प्लेइंग आ जाएगा, और ये भी पी एल ए वाई डी प्लेड हो जाएगा। तो क्या बना, आई सब्जेक्ट है तो आई लिखा, खेलना वर्ब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म प्ले, और प्ले में क्या जोड़ दिया, ईडी, तो प्लेड हो गया। फिर बचा क्या, खेल रहा है, ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्रिकेट ऑब्जेक्ट लिख दिया। वी रीड ए बुक, हम पुस्तक पढ़ते थे। अब देखना यहाँ बड़ी थोड़ी, अब रीड की फर्स्ट फॉर्म भी क्या होती है, रीड, सेकेंड फॉर्म भी क्या होती है, रीड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड। अब सर यहाँ पढ़ते थे या पढ़ते हैं क्या फर्क पड़ेगा, वी रीड ए बुक, ऐसे ही अगर सिंपल का प्रेजेंट का बनेगा तो भी बनेगा, क्योंकि वी के साथ वर्ब में ऐसे आई एस नहीं लगेगा, लेकिन इसका उच्चारण क्या करेंगे, रेड, इसका रीड, इसका रीड, तम मैं पढ़ूंगा, वी वी रेड ए बुक, वी रेड ए बुक, हम पुस्तक पढ़ते थे, वी रेड ए बुक, हम पुस्तक पढ़ते थे। तुम भोजन पकाते थे, यू कुक्ड फूड, अब यू तो सब्जेक्ट आ गया और कुक्ड क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये आपका कुक और ये आपका हो गया कुक्ड, क्या हो गया, कुक से कुक्ड, और ये ऑब्जेक्ट की जगह आपका ऑब्जेक्ट आ गया, यू कुक्ड फूड। इस तरीके से आपके ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं वो बनते हैं, क्या बनते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं। जैसे मान लो मैं आपके लिए एक एग्जांपल और रखूं, वे उपन्यास लिखते थे, इस वाक्य में देखो वे उपन्यास लिखते थे, पहले तो हम बात करते हैं ये क्या है, ये कर्ता है, तो कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं, तो वे का क्या होता है, THEYD, आ गई बात, सब्जेक्ट आ गया। अब हमारा फॉर्मूला ये कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म लगानी है। राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है दे रोट, क्या लिखते हैं, उपन्यास, दे रोट ए नॉवेल, वे उपन्यास लिखते हैं, वे एक उपन्यास लिखते हैं, या वे एक उपन्यास लिखते थे, दे रोट ए नॉवेल। अगर मैं वे उपन्यास लिखते हैं इसको ऐसे करता हूं तो यहाँ राइट आ जाएगा, ये राइट लिखते ये है वाला अर्थ बन जाएगा और ये बन रहा है थे वाला अर्थ। तो पास्ट सिंपल की अगर हम बात करते हैं तो ये वाक्य इस तरीके से बनेगा,
यू कैन राइट दिस सेंटेंस। अब आप लोगों को यू मेक टेन सेंटेंसेस, इन योर नोटबुक यू मेक टेन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। कितने वाक्य बनाने हैं आपको? 10 वाक्य एज ए होमवर्क, एज ए होमवर्क के रूप में आपको 10 वाक्य बनाने हैं। कल हम इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।